इतना भूख लगी इसको, जल्दी आ जा। अरे अरे अरे, अरे आ रही मेरी मम्मा। देख ये दुल्हन कौन है, ये दुल्हन कौन है, जा जा जा। नमस्ते, आप सभी कैसे हैं? मैं बहुत बढ़िया हूँ इस वक्त। मैं केशव के साथ खेल रही थी, तो इस वक्त क्या है कि बज रहे हैं कितना, शाम के 4:45 बज रहे हैं, और हम लोग को निकलना है बिहार के लिए। ट्रेन का टाइम है 7:10 निकलना है यहाँ से। एंड अभी बहुत सारी तैयारी, सारा दिन बिजी थी तैयारियों के पीछे, पैकिंग के पीछे, तो मैंने वीडियो स्टार्ट नहीं कर पाई अपना। एक छल बाद आना भाई, मैं बहुत जल्दी आऊँगी। आप पीछे देख सकते लगेज ऐसे रखा हुआ है, माई गॉड। तो मैं, भैया और मम्मी, हम तीनों लोग जाएंगे, है ना केशव? याद करेगा तो बुआ को? नहीं। बुआ को याद करेगा केशव? नहीं। तो बिहार जाएंगे, बिहार से और भी बहुत सारा टूर है, ट्रैवलिंग है। तो आप लोग वीडियो में बने रहे कि हम लोग वहाँ पर जो शादी अटेंड है वो करने के बाद और भी बहुत जगह पे जाना है हम लोगों को, तो जाएंगे। भैया आ जाएंगे शादी अटेंड करके, बट हम और मम्मी थोड़ा सा और भी ट्रैवलिंग करेंगे, बहुत सारे जगहों पे प्लानिंग है। तो आप लोग वीडियो में बने रहेंगे तो आपको अवश्य ही पता चलेगा। अभी थोड़ा सा बच्चों के साथ खेल रही थी, बातें कर रही थी, तो सोचा कि आप लोग से बातें कर लूँ। इसके साथ केशव के साथ खेल रही थी ना, तुम लोग तो बुआ के पास आया ही नहीं, केशव ही था मेरे पास में, तो सोचा कि खेल कूद रही तो आप लोग से बातें कर लूँ। नहीं, ये जगा हुआ था, तुम इस रूम में आया ही नहीं जो देखेगा। मैं देख देख देती, कैसे देख रहे हैं। तो जो भी है, अभी तैयार होते हैं तो आपसे बातें करते हैं, है ना केशव? केशव याद करेगा तो बुआ को? भूल तो नहीं जाएगा बुआ को? हाँ नहीं, भूल तो नहीं जाएगा ना। भूल जाएगा तो क्या होगा, फिर आकर याद दिला देंगे, है ना। चल रहा है, हाँ क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, नहीं बोलना तो, नहीं बोलना तो, तो फिर सोच ले यार, लास्ट वीडियो हो रहा है, उसके बाद पता नहीं कितना दिन बाद वीडियो होगा। अब जितना दिन भी बाद हो, लेकिन तुम लोग कुछ बोल नहीं रहे तो बोल दो अपने। हाँ जी, तो इस वक्त मैं पूरा रेडी हो चुकी हूँ जाने के लिए। नेहा मेरे को पीछे से टोन मार रही है, और मैं इस वक्त रेडी हो चुकी हूँ, मम्मी भी रेडी हो चुकी है, भैया भी रेडी हो चुका है। इस वक्त बज रहा है 6:30 हो रहा है ना, जो भी हो रहा है, बस थोड़ी देर में निकल जाएंगे हम लोग, और बस यही है। तो आप लोग हमारे सफर में बने रहे ऐसे ही, एंड बहुत ही कुछ अच्छा होने वाला, बहुत ही इन्जॉयमेंट होने वाली, क्योंकि शादी के घर में जा रहे हैं, तो ऑब्वियस बात है बहुत कुछ अच्छा होगा। और सबसे बड़ी बात पता है क्या, हम जहाँ जा रहे हैं तो वो एक्चुअली मधुबनी की तरफ जा रहे हैं, तो वहाँ पर ना मैथिली लैंग्वेज बोली जाती है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसा क्या मतलब आपको मैथिली लैंग्वेज भी इस वीडियो में, नेक्स्ट जो ब्लॉग आने वाला होगा वहाँ का, तो आपको मैथिली लैंग्वेज भी सुनने को मिलेगा। लेकिन फिर मुझे भी आती है, बट उतनी प्रॉपर वे में नहीं आती बोलना, पर मैं भी बोल सकती हूँ। तो मैं भी वहाँ पर जाऊँगी तो मैथिली लैंग्वेज आपको सुनने को। किस लिए जा रही हो? शादी के लिए। किसकी शादी में? भतीजी की शादी में। हाँ, मतलब मामा की बेटी, उनके शादी में जा रहे, मेरे मामा डॉक्टर है। ठीक है, तो हम लोग वहाँ पर बहुत ज्यादा धमाल मचाने वाले, पता नहीं कैसा धमाल, मधुबनी धमाल मचाने वाले, तो वहाँ पर जा रहे, तो बस यही सब वही याद है ना। सो फाइनली हम लोग सीट पर बैठ चुके हैं, इस वक्त ट्रेन में है, और बैठने से ट्रेन छोड़ दिया ना, और इस वक्त हम लोग जा रहे हैं मधुबनी की तरफ ही। तो कल सुबह 7 बजे, हाँ हाँ 7 बजे का टाइम है, 7:10 का, 7:05 कुछ भी हो, तो हम लोग जा रहे हैं। और कुछ बोल रहे हम लोग पहुँच के बातें करते हैं। सो फाइनली वी आर रीच्ड मधुबनी, एंड हम लोग का गाड़ी आ रहा है, मतलब मामा ने गाड़ी भेजा है, तो हम लोग उसी जाएंगे, हम लोग को कोई गाड़ी वाड़ी नहीं करनी होगी, और बस यही है, बहुत ही एक्साइटमेंट है शादी के लिए। रुक गया। तो हम लोग वहाँ पर पहुँचते हैं, फिर आप लोगों से और सारी बातें करते हैं, तो वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करते, यहीं पर इसको ख़त्म करते, और हम अपने बर्थ से उठ के अपने मम्मी के पास आ गए, क्योंकि मैं मिडिल में थी, मम्मी लोअर में है, और भैया अप में।
और भैया वीडियो में एकदम आना नहीं चाहते, उनको एकदम पसंद नहीं है। सो हम लोग कब पहुँचेंगे? अभी दरभंगा आ रहे हैं ना, तो दरभंगा के बाद मधुबनी है, तो फिर उसके बाद हम लोग उतरेंगे और मामा ने गाड़ी भेजाई है तो हम लोग उसी से ही चले जाएंगे। हम लोग कोई गाड़ी फिर भाड़ा नहीं करना होगा और बस यही है, ले किया वीडियो में। तो भैया एकदम आना नहीं चाहते वीडियो में। और इधर बहुत सारा कुहासा है, आप जैसे देख नहीं सकते, लेकिन कुहासे के साथ धूप भी निकला है तो ये बहुत अच्छी बात है। मुझे लगा था कि बहुत ठंडा होगा लेकिन पता नहीं, यहाँ पर तो समझ में नहीं उतना ठंडा आ रहा है, बाहर का पता नहीं क्या है। वो राधा रानी क्या बोल रही थी, ठंडा है क्या? तो मे भी हो सकता है। तो इधर तो बिहार में जर्नल में हम लोग, जर्नल में तो लोगों को ठंडा महसूस शायद हो रहा होगा। हाँ, हम लोग अभी एसी कंपार्टमेंट में भी ठंडा नहीं आ रहा है, आगे देखते क्या क्या होता है। जो भी होता है हमारे सफर में बने रहे, बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। शादी है, बहुत सारी हम लोग ट्रैवलिंग भी बहुत जगह जाएंगे। तो आप लोग को मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। ठंडा उतना नहीं है कि